हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में नव नियुक्त कुलपति आचार्य सतप्रकाश बंसल ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सर्वप्रथम नवनियुक्त वीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस में हवन यज्ञ का आयोजन किया, उसके उपरांत अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए कुलपति आचार्य सत्यप्रकाश बंसल ने कहा कि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमालयन रीजन का एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। उस नाते उनकी सबसे पहली प्राथमिकता विश्वविद्यालय को स्थायी भवन निर्माण को लेकर रहेगी। बंसल ने बताया कि उनके समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस विश्वविद्यालय में अक्षरशः लागू करने की चुनौती भी रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ कैरिकुलम को लेकर सभी विषयों को कैरिकुलम बदलकर इंडस्ट्रियल कैरिकुलम बनाया जाएगा। कुलपति ने बताया कि उनका मुख्य फोकस केंद्रीय विश्वविद्यालय को रिसर्च विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करना है तथा क्वालिटी रिसर्च पर भी फोकस किया जाएगा। बंसल ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और सबसे पहले देहरा में केंद्रीय विश्वविद्यालय का कार्य आरंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स को भी विकसित करने पर बल दिया जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से बात हुई है, जिसके तहत देहरा में स्पोर्ट्स सेंटर को विकसित किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय हिमालयन रीजन का बहुत इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय है। उस नाते मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारी इस विश्वविद्यालय को लेकर के यही रहने वाली है कि इस विश्वविद्यालय का जल्दी से जल्दी अपना भवन बने। और जो मेन चैलेंज है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस विश्वविद्यालय में अक्षरशः इम्प्लीमेंट करना। उसमें वो चाहे इंडस्ट्री अकेडमी टाइप हो, वो करिकुलम को लेकर के पूरा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका करिकुलम चेंज होगा, इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाया जाएगा, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और जो मेरा मेन फोकस रहने वाला है, इस विश्वविद्यालय को रिसर्च विश्वविद्यालय बनाना, शोध पे फोकस किया जाएगा, रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और क्वालिटी रिसर्च पे फोकस किया जाएगा। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मेरा 3-tier फार्मूला जो रहेगा, पहला मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को लेकर के, उसमें जो भी स्टेप होंगे कुछ स्टेप लिए जाएंगे, दूसरा रीओरिएंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन को, और तीसरा क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। ये इसका मास्टर प्लान बनेगा। देहरा में अभी हमें लैंड मिली है, तो अगर देहरा में सफिशिएंट लैंड होगी तो हम देहरा में बनाएंगे। और उसमें वहाँ पर क्योंकि स्पोर्ट्स पे फोकस, क्योंकि किसी भी शिक्षा का जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें जब तक स्पोर्ट्स नहीं होगी तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। और उन स्पोर्ट्स के लिए हमें जहाँ भी लगेगा जो भी सेंटर बनाना चाहिए या स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पर जो भी यथासंभव होगा, तो उसके लिए हमें केंद्र से, क्योंकि खेल मंत्री हैं हमारे कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनके साथ भी मेरी बात हुई है, उनके साथ उन्होंने यथासंभव सहायता देने का कहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन अच्छा जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बना पाएंगे। मुझे अभी अभी हेमराज जी बता रहे थे, रिश्ता साहब, कि वहाँ से कुछ अभी पत्र आया है कलकत्ता से, वो मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा, धर्मशाला के भी हो जाएगा। धर्मशाला का जैसे क्लियरेंस होगी तो होगा। नैक के लिए हमारी तैयारियाँ होंगी, ठीक है, हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस कमी से हमें जूझना पड़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ करेंगे और एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि इसको हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे।